हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम डी सोइंग कुंगड़ 143। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साड़ी में बेल्ट कैसे डालते हैं। वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको एक बार में ही अच्छे से समझ आ जाए। साड़ी में बेल्ट डालने के लिए हमें 3 माप की ज़रूरत होती है। एक तो बेल्ट की ज़रूरत होती है माप की, एक हमारा पल्लू कितना लंबा होगा और एक साड़ी की लेंथ कितनी होगी, जिसके अकॉर्डिंग हम साड़ी में बेल्ट डाल सकते हैं। ये हमारी हैवी साड़ी है तो इसमें हम बेल्ट कैसे डालेंगे। ये हमारी पल्लू वाली साइड है, इसमें हम सबसे पहले लेंथ लेंगे। स्टैंडर्ड साइज हमारा 90 इंच होता है, तो 90 इंच नॉर्मल व्यक्ति का साइज होता है। अगर अगर कोई साइज में छोटी है या फिर थोड़ी कम हेल्दी है तो हम 80 इंच पर पल्लू का निशान लगाएंगे। अगर कोई थोड़ा हेल्दी है तो हम 90 इंच या फिर और भी थोड़ा हेल्दी है तो हम 95 इंच ले सकते हैं। इस पर मैं 90 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। ऐसे करके हम साड़ी को रखेंगे, यहाँ से हम ऐसे करके इंची टेप को रखेंगे और 90 इंच पर निशान लगाएंगे। इंची टेप हमारा 60 इंच का होता है, इससे आगे हम 30 इंच और लेंगे। यहाँ पर हमारा 60 इंच हो गया है, यहाँ पर फिर से हम इंची टेप को रखेंगे। ये हमारा 30 इंच, तो ये हमारा 90 इंच हो गया। यहाँ पर हम ऐसे करके निशान लगाएंगे। इस साइड हमारा 90 इंच है और दूसरी साइड हम बेल्ट के अनुसार ही लंबाई लेते हैं। बेल्ट है हमारी 28 इंच और 10 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 38 इंच। 38 इंच पर हम ऐसे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारा 38 इंच पर निशान लगा है और दूसरी साइड हमारा 90 इंच पर निशान लगा है। इस निशान और ये हमारे पल्लू की साइड निशान है, इस निशान से और इस निशान तक हमारे जितना भी बीच में फैब्रिक है उस पर हम प्लेट डालेंगे। हमारा जो पल्लू से दूसरी साइड है, इस साइड से हम निशान लगाएंगे। पहली प्लेट हम 8 इंच या 9 इंच की ले सकते हैं और बाकी जितनी भी प्लेटें हम 5-5 इंच की लेंगे। ये हमारे पल्लू की साइड जो 90 इंच पे निशान है वो है, यहाँ तक हम ऐसे करके निशान लगाएंगे। मशीन की सहायता से मैंने इन प्लेटों को सेट करके सिलाई लगा दी है। जो हमारी पहली प्लेट है वो हमारी 8 या 9 इंच की रहेगी, बाकी हमारी प्लेटें 5-5 इंच की रहेगी। ऐसे करके हम साड़ी को रखेंगे। अब हम लेंगे इसकी लेंथ। साड़ी की लेंथ है 42 इंच। ऐसे करके हम इंची टेप को भी टाइट करेंगे और हमारी साड़ी का जो फैब्रिक है उसको भी टाइट करेंगे और 42 इंच पर निशान लगाएंगे। आगे हमारे कितना रह गया है ये हम चेक करेंगे। आगे हमारा 4 इंच बच गया है, यहाँ पर हमारा 4 इंच पर निशान लगेगा। यहाँ पर हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। कई बार क्या होता है हमारी साड़ी पीछे से उठने लगती है तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर 0.5 इंच कम करने पर यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब हम जो हमारी साड़ी की दूसरी साइड का किनारा है उस पर हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा कई बार क्या होता है लटकने लगता है, तो ये ना लटके इसलिए हम इसमें 0.5 इंच प्लस करेंगे। ये हमारा 4.5 इंच हो जाएगा। यहाँ पर 4.5 इंच पर लगाएंगे निशान और यहाँ पर हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सेंटर में हम 0.5 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ पर हमारे जो भी लंबाई है उसके अनुसार हम निशान लगाएंगे। साड़ी पर मैंने लंबाई का निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये हमारी प्लेटें हैं जो साड़ी में आगे की साइड डलती है, ये मैंने यहाँ से
और यहाँ तक सिलाई लगाती है। ये इसलिए लगाई है ताकि जब हम इसमें बेल्ट को जोड़ेंगे हमारी ये जो प्लेटें हैं इधर उधर ना हो। ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। अब हम बेल्ट को तैयार करेंगे। ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट हम जितनी हमारी कमर है उसी के अनुसार लेंगे और बीच में इसके इलास्टिक लगाएंगे जो 4 या 5 इंच का ले सकते हैं। ऐसे करके हम इलास्टिक के ऊपर दोनों बेल्ट को रखेंगे और यहाँ से दोनों साइड और दोनों साइड से हम सिलाई लगाएंगे। हम ये हमारा फैब्रिक है इसके ऊपर ऐसे बेल्ट को रखेंगे और इसके ऊपर हम फैब्रिक को रखेंगे और बिल्कुल पास से हम सिलाई लगाएंगे। ये मैंने बेल्ट को तैयार कर लिया है। अब हम इसको लगाएंगे। जहां पर हमारा इलास्टिक डला है वहां पर हमारे ऐसे करके गैदरिंग पड़ेगी ऐसे, और हमारी साड़ी पर जो हमने निशान लगाए हैं लंबाई के वहीं पर ऐसे इसको बेल्ट को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। जहां पर हमारे ये इलास्टिक डला हुआ है यहाँ पर हम प्लेटें डालेंगे। ये देखो ऐसे करके हम इसको रखेंगे यहाँ से, जहां तक हमारी प्लेटें डली हैं दूसरी साइड हम यहाँ पर रखेंगे। अब जो भी हमारा फैब्रिक है इसमें हम प्लेटें डालेंगे। एक हमारी रबड़ के इस साइड डलेगी और दूसरी हमारी रबड़ के दूसरी साइड डलेगी। ऐसे करके हम दोनों प्लेटों को डालेंगे, एक इस साइड और एक दूसरी साइड। ऐसे करके हमारी ये दोनों प्लेटें डलेंगी। चलो मैं एक बार बेल्ट को लगाकर दिखाती हूँ। बेल्ट को हम साड़ी के राइट साइड रखेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक पर आने के बाद हम रुकेंगे। ये हमारे दूसरी साइड प्लेटें हैं, इसके ऊपर हम बेल्ट को रखेंगे और ऐसे करके इसको मापेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम प्लेटें डालेंगे। एक इलास्टिक के साइड हमारी ये प्लेट है और दूसरी साइड ये प्लेट है। दोनों प्लेट हमारे इलास्टिक के दोनों साइड डलेगी। एक हुक हमारा इधर लगेगा यहां पर और इसका सेंटर होगा ऐसे। ऐसे करके हम इसका सेंटर लेंगे। एक हुक हमारे यहाँ पर लगेगा और दूसरा हुक हम 5 इंच का गैप देते हुए लगाएंगे। यहाँ पर ऐसे इंची टेप को रखेंगे और 5 इंच हमारा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर दूसरा हुक लगेगा, इसका सेंटर भी हम ऐसे करके मापेंगे। ये इसका सेंटर हो गया। दोनों हुक हमारे यहाँ पर लगेंगे। मैंने साड़ी में बेल्ट लगा दी है और ये मैंने हुक भी लगा दिए हैं। आई हमारी बाहर की साइड लगेगी और हुक हमारे अंदर की साइड लगेगी। हुक लगाने के बाद साड़ी को वियर करना बहुत ही आसान है। ये हमारी आगे की साइड ये प्लेटें लगी है, पीछे की साइड हमारी दो प्लेटें लगी हैं। ये हमारी दो प्लेटें लगी हैं पीछे की साइड, एक ये और एक ये। साड़ी को वियर करके दिखाती हूँ इसको कैसे वियर करते हैं।